दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के मित्रों की और दुश्मनों की, कि वो कौन लोग हैं जो धनु राशि के साथ सबसे अच्छी दोस्ती निभाते हैं और वो कौन हैं जो धनु राशि के सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं, जिनसे धनु वालों को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों ये समझने से पहले कि कौन मित्र हैं अच्छे और कौन दुश्मन हैं, हमें सबसे पहले धनु राशि को ही समझना पड़ेगा कि धनु राशि का खुद का जो है स्वभाव क्या है, इनका खुद का जो है गुणधर्म क्या है। दोस्तों धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के जो जातक हैं उनमें साहस कूट कूट करके भरा होता है। धनु राशि वाले लोग बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। जीवन में वो जो भी करते हैं उन सभी के प्रति उनका नज़रिया पॉजिटिव रहता है। धनु राशि वालों की एक भी खासियत होती है कि वो किसी भी चीज़ पर सटीक निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। धनु राशि वाले कई बार थोड़े उग्र स्वभाव के भी हो जाते हैं और उन्हें आज़ादी बहुत प्यारी होती है। उन लोगों के साथ वे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं जो उनको आज़ाद रहने देते हैं, और जो उनको आज़ाद नहीं रहने देते हैं उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती। तो चलिए अब हम आपको धनु राशि वालों के दोस्त और दुश्मन राशि के बारे में बताते हैं कि कौन है जिनके साथ अच्छी बनेगी और कौन है जिनके साथ कट्टर दुश्मनी होगी। दोस्तों धनु राशि वालों की जो संगति है अच्छी, वो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के साथ होती है। और वो क्यों होती है ये भी समझना ज़रूरी है। तो मेष के साथ धनु की जो कंपेटेबिलिटी है वो इसलिए ज़्यादा होती है कि दोनों जो है अग्नि तत्व की राशि हैं। आप दोनों के बीच बहुत ही गहरी संगति हो सकती है। मेष राशि वाले बड़े ही सिंपल होते हैं, इन्हें चालाक लोग पसंद नहीं आते, उनका यह स्वभाव आपको बहुत पसंद आता है। मेष राशि के जातक धनु राशि के जातकों के साथ कभी भी शत्रुता नहीं कर सकते, शत्रुता बनती ही नहीं है, इसलिए मेष वाले आपके सहज ही दोस्त बन जाते हैं। अब धनु और मिथुन की जो है वो कंपेटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ज्योतिषीय हिसाब से देखा जाए तो मिथुन और धनु दोनों एक दूसरे के विपरीत राशि हैं, मगर एक दूसरे की पूरक भी हैं। आपका जो मिथुन दोस्त है वह आपके अंदर भी झांक लेता है और बाहर से भी आपको समझता है। आप दोनों की खासियत यही है कि आप बड़े ही मिलनसार प्रवृत्ति के लोग हैं। आपके मिथुन की दोस्त की क्वालिटी होती है कि उन्हें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, और यही वजह है कि मिथुन और धनु की बहुत अच्छी बनती है। अब धनु और सिंह की कंपेटेबिलिटी देखते हैं। धनु और सिंह राशि के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती बनती है हो जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं, सबसे अच्छी दोस्ती आपकी सिंह राशि वालों के साथ होगी धनु की। और वो क्यों? वो इसलिए कि आप दोनों में भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध देते हैं। आप दोनों ही इस बात को जानते हैं कि छोटे मोटे झगड़ों को कैसे नज़रअंदाज किया जाए। सिंह राशि के जातक धनु राशि वालों की दोस्ती को लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए धनु की जो है काफ़ी अच्छी कंपेटेबिलिटी वो सिंह के साथ बनती है। अब धनु और तुला के बारे में देख लेते हैं। तो धनु और तुला राशि वालों की जो कंपेटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आप सभी तरह के प्रोग्राम्स और फेस्टिवल में साथ भाग लेते हैं। आप दोनों को न्याय से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेना पसंद होता है। दूसरे को ओपिनियन और उनके डिसीजन का भी आप पूरा सम्मान करते हैं। तुला राशि वालों की धनु राशि वालों के साथ वास्तव में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और धनु राशि वालों के साथ दुश्मनी आप जो है नहीं कर पाएंगे। धनु और जो है तुला की जो है दुश्मनी वो नहीं हो सकती, इसीलिए ये बेस्ट मैच भी हो सकता है। अगर आप शादी करना चाहें तो तुला के कैंडिडेट को ज़रूर देखें। दोस्तों अब देखते हैं धनु के साथ आपकी कंपेटेबिलिटी। तो एक दूसरे के साथ आप अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से साझा करते हैं। आपको घुलने मिलने में जरा भी देर नहीं लगती है, और ये एक बहुत अच्छी बात आपको लगती है धनु वालों की। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपका होपफुल एटीट्यूड आपको हमेशा साथ देता है आपका, क्योंकि धनु और धनु की कंपेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अपने धनु मित्र के साथ आप बहुत अच्छी तरह से अपनी संगति उनके साथ बिठा लेते हैं, और आप दोनों की दोस्ती बड़ी मज़ेदार, खुशी देने वाली होती है। काफ़ी अच्छा फील करते हैं आप धनु के साथ में। कुंभ राशि और धनु की कंपेटेबिलिटी देखते हैं। तो कुंभ राशि वालों के साथ भी
धनु राशि वाले जातकों का संबंध काफ़ी अच्छा होता है। दोनों की दोस्ती में सेटिस्फेक्शन की भावना होती है। धनु और कुंभ इन दोनों ही राशि के जातक बड़े ही आउटगोइंग नेचर के होते हैं। इन दोनों राशियों के बीच जेलसी के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए काफ़ी अच्छे मित्र इस राशि से आपके आते हैं। अब बात करते हैं आपके दुश्मन राशियों की, वो राशियाँ जिनसे आपकी नहीं बनती और बनने के चांस ही बहुत कम होते हैं, और इनके जो अगर दोस्त बन भी जाएं तो ज़्यादा लंबी दोस्ती नहीं चलती, और इन राशियों से आपको सावधान ही रहना चाहिए। दोस्तों, धनु और कन्या की अगर कंपेटेबिलिटी देखें तो इन दोनों ही राशि के जातकों की ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी होती है। जब दोनों की दोस्ती की बात आती है तो इस दोस्ती को निभाना उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। इन दोनों का मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ मतभेदों में ही बीतता है। कन्या राशि के जातक छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, वहीं धनु की खासियत है कि छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। कन्या राशि वाले जातक अलर्ट नेचर के होते हैं और इससे धनु राशि को कभी अच्छा महसूस नहीं होता। यही वजह है कि कन्या राशि वाले धनु राशि वालों को सबसे खराब श्रेणी में डाला जाता है, और एक दुश्मन जो है वो कन्या राशि के धनु राशि के बन जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, धनु वाले अगर आप हैं, नोटिस कीजिएगा कि मैक्सिमम दुश्मन आपके वो इस राशि से ही नज़र आएंगे। दूसरी राशि है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, वो है मीन राशि। तो अगर हम ध्यान से देखें धनु और मीन की कंपेटेबिलिटी को, तो मीन राशि वाले अपने दोस्तों से यह उम्मीद करते हैं कि वह उनका सपोर्ट बनकर लगातार उनके साथ रहें। वहीं आपको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। मीन राशि वाले कई बार बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, उनका मूड भी बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। मीन राशि के साथ आपका थॉट बिल्कुल भी मैच नहीं करता। आपका स्वभाव जो है वो घूमने फिरने का है, आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, जबकि मीन राशि वाले जातकों को बैठकर सपने देखना ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से आप दोनों के बीच दुश्मनी बन जाती है, दोस्ती बिल्कुल नहीं जमती, और आप एक दूसरे के इस तरह से कट्टर दुश्मन भी हो सकते हैं। इसीलिए धनु राशि वालों को कन्या और मीन इन दो राशियों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि राशि कोई भी ख़राब नहीं होती, बस राशि के हिसाब से उसके जातक का स्वभाव होता है। सबका अलग अलग नेचर, कुछ नेचर्स आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं, इसलिए धनु वालों के कन्या और मीन कंपेटेबल नहीं हैं। इनके साथ जो है नैसर्गिक दोस्ती लंबी नहीं चलेगी। अभी भी अगर आप नोटिस करें कि आपके कौन दुश्मन हैं, तो मैक्सिमम इन दो राशि से ही आएंगे। और कोई नई आपकी दोस्ती हुई है तब भी आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ज्ञान आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।